हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी करिकुलम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी रहेंगे। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। So the first question is, which of the following water bodies is the home of Lakshadweep? कौन सी इनमें से वाटर बॉडी है जो कि लक्षद्वीप का होम आप कह सकते हैं? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरेबियन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट्स द करेबा फॉर्मेशन? कौन सा रीजन है? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, हिमांचल उत्तरांचल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज या फिर कश्मीर हिमालयाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालयाज वो रीज़न है जो कि सपोर्ट करता है करेवा फॉर्मेशन को। वेयर इज़ द लोकतक लेक सिचुएटेड? जो लोकतक लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? केरला, उत्तरांचल, मणिपुर, राजस्थान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में लोकतक लेक सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार? कौन सी वो वाटर बॉडी है जो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है? 11 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ मन्नार, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार चैनल से सेपरेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? कौन सी रिवर है जिसका सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया में? द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो गंगा रिवर है उसका लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली? कौन सी रिवर है इनमें से जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है? सोन रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर या फिर लूनी रिवर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है रिफ्ट वैली में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचनार? कौन सी रिवर है जो कि पंचनार का पार्ट नहीं है? रवि, इंडस, चेनाब एंड झेलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस रिवर, ये पंचनार का पार्ट नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वूलर लेक सिचुएटेड? वूलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान में, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर में वूलर लेक सिचुएटेड है। अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड्स इज रिफर्ड एज, जैसे कि ये एक पार्ट है, ये तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ये लैंड है और ये वाटर बॉडीज हैं, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। When is Constitution Day celebrated? हम किस दिन Constitution Day को सेलिब्रेट करते हैं? So the right answer is option number A, 26 November को हम Constitution Day को सेलिब्रेट करते हैं। Which Mughal Emperor built the Taj Mahal? किस मुग़ल एम्परर ने ताजमहल को बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। So the right answer is शाहजहां, option number C. The Battle of Buxar was fought in which year? बैटल ऑफ बक्सर है वो कब हुई थी? 1757, 1764, 1857 या फिर 1864? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंडिया? इस बुक के ऑथर कौन है? मार्क ट्वेन, ई एम फोस्टर, जॉर्ज ऑरवेल, रुडयार्ड किपलिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ई एम फोस्टर इसके ऑथर हैं। द टर्म जी डी पी स्टैंड्स फॉर, जो टर्म है जी डी पी उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट या फिर जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न?
ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने रिसीव किया था भारत रत्न, वो पहली महिला कौन है? उनका नाम है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? अपने प्लैनेट में जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं उनमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? तो उसका नाम है मरकरी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, केरला। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, गंगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, वी वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस राधाकृष्णन। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर? अर्थ के एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट है। हु रोट द बुक गीतांजलि? जो बुक एक गीतांजलि है उसको किसने लिखा है? बंकिम चंद चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, स्वामी विवेकानंद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि बुक को लिखा है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है? आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर गुप्ता सिविलाइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द पंचायती राज? पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 42nd, 52nd, 73rd या फिर 74th। सो द राइट आंसर इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज से रिलेटेड है। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1930? कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1930 में? ऑप्शंस हैं सी वी रमन, होमी, जहांगीर बाबा, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी वी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉयज वॉज असैसिनेटेड इन इंडिया? वॉइसरॉय का नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड रिपन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मायो। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था, किस ईयर में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय? ये बुक किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद चटर्जी, आर के नारायण, शरद चंद चट्टोपाध्याय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद चटर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग लेड दिस बारदोली सत्याग्रह? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में आती हैं? पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फोर ए या फिर फाइव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पार्ट फोर ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? इनमें से कौन सी वो साइट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है और वो एक हड़प्पा साइट है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोथल वो साइट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है और वो एक हड़प्पा साइट है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च हुआ था? तो राइट आंसर 1973। हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ये उस टाइम के वॉइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करता है, और वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 370, जिसको 2019 में अब्रोगेट कर दिया गया है। अब वो आर्टिकल लागू नहीं होता है। विच इज़ दी हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आंसर है भारत रत्न। हु इज़ नोन एज दी आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच इंडियन स्टेट हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात। हु वॉज दी फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। विच रिवर अफ्रीका क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस, कौन सी रिवर है अफ्रीका में जो कि क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को टू टाइम्स, तो नाम है लिपोपो। वेयर डिड ब्रिटिश सेट अप दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1613, पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप की थी, राइट आंसर इज सूरत। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, पहली महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, राइट आंसर इज तरनाम मलेश्वरी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसमें, वेट लिफ्टिंग में, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में। विच मुगल एम्परर बिल्ड दी जामा मस्जिद इन दिल्ली, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसको किस मुगल एम्परर ने बनाया है, राइट आंसर है शाहजहां। विच एलिमेंट हैज़ दी केमिकल सिंबल Fe, कौन सा एलिमेंट है जिसका केमिकल सिंबल Fe है, उसे क्या कहते हैं, तो नाम है आयरन। व्हाट इज़ दी नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया की थी उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। विच इज़ दी लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, नाम है लीवर। विच एक्ट लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। व्हाट इज़ दी ओल्डेस्ट वेद, जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, उसका नाम है ऋग्वेद। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने प्रपोज किया था, तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को 1976 में जो हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से कौन से फ्रीडम फाइटर को जाना जाता है, राइट आंसर है लाला लाजपत राय जी को। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, किस ईयर में फाउंड हुई थी, तो 1906। हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, नाम है दादा भाई नरोजी। वॉट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो होता है एम्पियर। विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किस साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया गया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए, तो नाम है जेम्स चैडविक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, कौन से सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो नाम है अलाउद्दीन खिलजी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्लांड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया, एक बुक है जिसका नाम है प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसके ऑथर कौन है, तो उनका नाम है विश्वेश्वराय। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, किस ईयर में इंडिया रिपब्लिक हुई थी, 1950, और डेट है 26 जनवरी। विच प्लैनेट हैज़ दी मोस्ट मून्स, कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, या फिर आप सैटेलाइट कह सकते हैं, तो उसका नाम है जुपिटर। व्हाट इज़ दी करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो है टाका। विच गुप्ता रूलर इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, तो वो आर्टिकल डील करता है आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आता है 23 में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, नाम है एच जे केनिया। वॉट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला है उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी बायोग्राफी का नाम है। विच केमिकल एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 1942 में। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।